नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और विकसित भारत के संकल्प को लेकर निकाले जा रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन प्रदेश के हजारों लोग जुड़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर एक अनूठा रूप दिया है, जिससे लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान न केवल विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, बल्कि पात्र नागरिकों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। इसके अलावा लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के पूरे प्रदेश में अब तक 2080 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में लोग इसमें भाग ले रहे हैं और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ले रहे हैं। यात्रा के दौरान अब तक 2,70,000 से ज्यादा लोग हेल्थ कैंपों में पहुंचे और अपने स्वास्थ्य संबंधी स्क्रीनिंग करवाई। 1,70,000 से अधिक लोगों की टीबी की स्क्रीनिंग की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9,181 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। यात्रा के दौरान 63,500 लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए और इस दौरान 4,476 लोगों को आधार कार्ड कैंप में पहुंचे और 1,722 लोगों ने नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जानकारी ली। यात्रा के दौरान 10,553 महिलाओं को, 18,773 विद्यार्थियों को, 2,990 स्थानीय खिलाड़ियों को और 2,751 स्थानीय कलाकारों को अवार्ड भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो जाए। यह एक बड़ा और व्यापक अभियान है। देश के प्रत्येक नागरिक और सभी वर्ग के लोगों को इस अभियान से जुड़ना चाहिए। यदि सभी लोग इससे जुड़ेंगे तो निश्चित ही भविष्य में भारत वैश्विक मानचित्र पर सर्वश्रेष्ठ रूप में स्थापित हो सकेगा। प्रधानमंत्री इस यात्रा के माध्यम से यह प्रयास करना चाहते हैं कि गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाई गई योजनाएं आम जनमानस तक पहुंचे और पात्र लोगों को उनका लाभ मिले। प्रदेश सरकार अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और यह यात्रा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। एक ही स्थान पर लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यह संकल्प यात्रा प्रदेश के हर गांव और हर वार्ड में पहुंचकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को लाभ पहुँचाने में कारगर साबित होगी। योजनाओं की जानकारी लेने, पात्रों द्वारा मौके पर ही राशन कार्ड बनाना, परिवार पहचान पत्र में शुद्धिकरण करवाना, स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर स्वास्थ्य जांच इत्यादि योजनाओं का लाभ मौके पर ही दिया जा रहा है। ये कृषि एवं किसान कल्याण विभाग नीलोखड़ी की तरफ से स्टॉल लगाया गया, जिसके अंतर्गत हम पीएम किसान सम्मान निधि से जो भी हमारे किसानों की क्वेरी आ रही है, अगर वो किसी कारणवश से उनकी किस्त नहीं आ पाई है, वो उनको बता रहे हैं। अगर कहीं भी उनके डाटा में कोई कमी है, जैसे आधार कार्ड अपडेट नहीं है या बैंक की डीबीटी नहीं है या उनकी जमीन इसके साथ लिंक नहीं हुई है, वो सब उनको बता के और उसको काम को करवाने का काम कर रहे हैं अभी साथ के साथ ही। अंकल जी यहाँ पर जैसे पहुँचे हैं, इनकी बाकी सारी किस्तें आई हुई हैं, लेकिन EKYC पेंडिंग होने के कारण एक किस्त अभी पेंडिंग है इनकी, और वो मोबाइल आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करा कर या फिंगर से अभी इनकी अपडेशन करा के इनकी वो कार्य अभी पूरा कराया जाएगा अभी। मेरा नाम मनीष कुमार, मैं इफ्को से हूँ। ये नीलोखड़ी की तरफ से लगाई गई नैनो यूरिया और नैनो DAP। हम किसानों को बोल रहे हैं कि कट्टे वाले खाद का, जैसे नैनो, जैसे कट्टे वाला यूरिया या DAP हो या, अभी इसका कम से कम प्रयोग करें। इससे वातावरण भी ख़राब होता है और हमारी ज़मीन भी ख़राब होती है, तो हम बोल रहे हैं अभी नैनो यूरिया और नैनो DAP का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। नैनो DAP, नैनो यूरिया जो है, इसका कट्टे वाले यूरिया से किस तरह से ज़्यादा प्रभावी है और किस तरह से फ़ायदेमंद है? ये सीधा पौधों पे लगता है और वो ज़मीन को ख़राब करता है जी। ये तो लोग आ रहे हैं इसके बारे में? हाँ जी, हाँ जी, हम इसके डेमो भी लगा रहे हैं और लोगों को सलाह भी दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मेरा नाम श्याम लाल गर्ग है, मैं BLU के पद पर GVH नीलोखेड़ी में कार्यरत हूँ। आज हमारा जो यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है पशुपालन विभाग का है, जिसमें हमारी अनेक तरह की स्कीमें हैं, जिसमें किसानों के लिए SC के लिए 2MA की स्कीम है, जिसके अंदर 50% सब्सिडी मिलती है, और इंश्योरेंस की स्कीम है जिसमें 100 रुपये में इंश्योरेंस होता है, और SC क्लास का फ्री में इंश्योरेंस है। PKCC की स्कीम है जिसके अंदर 1,60,000 का लोन होता है, जिसमें 4% इंटरेस्ट लगता है साल का, और जिसमें 2 भैंस और 1 गाय का लोन हो जाता है।
इस कैंप के दौरान लोग किस तरह से फायदा उठा रहे हैं इन योजनाओं का? लोग आ रहे हैं यहाँ पे, फार्म भरवाते हैं और उनको बैंकों से लोन मिल रहा है जी, तो आसानी से लोन मिल जाता है? आसानी से लोन मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सिक्योरिटी वगैरह? सिक्योरिटी इसमें अगर आप 1,60,000 से ऊपर का लोन लेते हैं तो उसमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है, अदरवाइज कोई सिक्योरिटी नहीं है। डॉक्टर सचिन सचदेवा, मेडिकल ऑफिसर, PHC पधाना से। यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं 30 साल से ज़्यादा वाले, उनकी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, NCD की, BP की, शुगर की और HB की। BP जिसका भी ज़्यादा आ रहा है उसको हम बता रहे हैं, दवाई दे रहे हैं और उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही शुगर के लिए भी यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ आयुष्मान कार्ड के लिए लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा निरोगी की स्कीम के तहत लोगों की जांच हो रही है यहाँ पर। आज भारत संकल्प यात्रा के तहत हमारे गांव में सरकार की तरफ से ये कैंप लगाया गया है, तो मैंने भी इसमें अपना जो समस्याएं वगैरह थी वो सब कुछ बताई हैं और साथ के साथ निदान पाया, और ये डॉक्टरी चेकअप वगैरह भी है वो भी मैंने करवाया है, और ये बहुत अच्छा अपना सकारात्मक पहल है सरकार की। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत नीलोखेड़ी में आयोजित किए जा रहे जनसंवाद कार्यक्रमों की कड़ी में आज यह यात्रा गांव राजगढ़ पहुंची। इस दौरान खुले दरबार और जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जनधन खाता, हर घर नल से जल, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत जैसी अनेकों योजनाओं को जनता के समक्ष रखा। गाँव के पंचायत घर में आयोजित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में पूर्व विधायक भगवान दास कबीर पंथी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर समूची ग्राम पंचायत और गणमान्यों ने मुख्य अतिथि का फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने सभी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया और जानकारी हासिल की। इस अवसर पर ग्राम पंचायत की ओर से मुख्य अतिथि को शॉल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे अधिकारियों को भी उनकी सेवा के लिए शॉल देकर सम्मानित किया गया। गांव में पहुंची मोदी सरकार की गारंटी वैन के माध्यम से सभी लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संदेश सुनाया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने उपस्थित सभी गांववासियों और अधिकारियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपने योगदान देने के लिए संकल्प की शपथ दिलाई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए भगवान दास कबीर पंथी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने अपना सपना देखा है कि 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करना है। इसी उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में गांव-गांव जाकर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं से वंचित न रह सके। आज ये यात्रा राजगढ़ पहुंची है, कल अपने पास के गाँव संडीर में थी, और लोगों की समस्याएं जो है, जो सरकार की योजनाएं बनी है उनका लाभ हर आदमी तक पहुंचे, और जो उनकी समस्या मौके पर ही उनको ठीक करके उनको परेशानी से बचाया जा सके। जो उनकी BPL कार्ड है, पेंशन है या उनके आयुष्मान कार्ड है, सरकार ने उनके गरीब मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, महिलाओं, बच्चों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, उन सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। पहले योजनाएं बनती थी लेकिन वो कहीं ना कहीं कागजों में सिमट कर रह जाती थी, या कहीं ना कहीं बीच में उनका जो लाभ उनको मिलना चाहिए था, जो उनकी बजट होता था वो खुर्द बुर्द हो जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह की ये विकसित भारत बने, और साथ ही एक हम यहाँ लोगों को भी जागरूक करने का भी कि जितनी योजनाएं हैं, एक तो उनके बारे में जानकारी इस सभी गाँव वासियों को इकट्ठा करके उनको दी जा रही है। साथ ही मौके पर सभी अधिकारी बैठे हैं, उनकी जो भी समस्या है यहाँ मौके पर ही उनका समाधान किया जा रहा है, ताकि हर आदमी को कोई वंचित ना रहे, सबको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। इस दौरान जो है पूरे विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विकसित भारत में सहयोग करने के लिए हर व्यक्ति को संकल्प भी दिलाया जा रहा है। तो जी देखो, नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना क्या है, हमारा देश एक बार फिर विश्व गुरु बने, जो सोनिया की चिड़िया जिस तरह से पहले कहते थे भारत सोनों की चिड़िया थी, वो दोबारा बने, पूरे विश्व का भारत नेतृत्व करे, इसके लिए सभी की इसमें योगदान जरूरत है। हर आदमी का, गरीब हो, मजदूर हो, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, जब तक सभी खुशहाल नहीं होंगे नहीं, जब तक वो नहीं, हम जो सपना मोदी जी का पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हर आदमी से एक संकल्प ले रहे हैं साथ में प्रोग्राम के बाद, कि आप एक संकल्प लेकर आप यहाँ जाएँ, जो
ये योजनाएं हैं इनका भी लाभ लो, और साथ ही हम हर आदमी को मजबूत हो और अपना परिवार का भी अच्छी तरह पालन पोषण कर सके, साथ ही अपने देश और प्रदेश के लिए भी जो योगदान है वो अच्छी तरह दे, ताकि ये जो विकसित भारत हमारा जो एक सपना नरेंद्र मोदी जी का वो पूरा हो। प्रधान जी, अगर बात करें तो योजनाओं की, योजनाएं अक्सर पात्र व्यक्ति के लिए बनाई जाती हैं ताकि उस व्यक्ति को लाभ मिले जिसको मिलना चाहिए, लेकिन कई बार इस तरह के केस आते हैं, कोई लोग आ जाते हैं कि हमें भी इस योजना का लाभ दीजिए, ऐसे में क्या आप अपील करना चाहेंगे लोगों को यहाँ? देखो, ये योजनाएं जो उन आदमियों के लिए है जो ज़्यादा ही बेचारे बहुत ही गरीब हैं, जिनके पास अपना मकान भी नहीं है और साथ ही कोई परिवार में कोई कर्मचारी नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उन लोगों को सरकार की योजनाएं हैं। इसलिए मेरी उन लोगों से भी अपील है कि जो सक्षम है, मजबूत है, तो वो इसमें ना लेकर के वो सरकार का सहयोग करें, अपने आसपास का जो गरीब भाई है, जो परिवार है, उसकी मदद करें। अगर उसमें कोई दिक्कत है, अनपढ़ है बेचारा, नहीं दफ्तरों के में चक्कर काट सकता, उसकी सहायता करके उसको जो योजना है लाभकारी वो दिलवाने का काम करना चाहिए। वही इस मौके पर हर घर नल से जल योजना और विकास के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए गाँव के सरपंच सहित समूची पंचायत को सरकार की ओर से अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। सरपंच प्रतिनिधि निर्मल सिंह ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का लोगों को भरपूर फायदा मिल रहा है, सरकार खुद जनता के दरवाजे पर पहुंचकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए पहुंच रही है। विकसित यात्रा उन्होंने शुरू की है, सभी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो भी स्टाफ, अपना पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी और गांव के सभी लोग, मेरे बुजुर्ग बहने भाई आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यही कहता हूं कि यहां भी सभी स्टाफ जो आए हुए हैं और सभी का यहां आने पर ये जो तुरंत किसी का बीपीएल कार्ड, किसी का आधार कार्ड, जो भी समस्याएं हैं वो तुरंत ही पूरी की जा रही है और तुरंत पूरी करके उनका समाधान किया जा रहा है जी। आज अभिनंदन पत्र भी दिया गया है आपको, हर घर जल पहुंचाने तक, नल से जल पहुंचाने तक, क्या है? जल यहां राजगढ़ गांव में हर घर में पहुंच रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं है। अगर आने वाले समय में कहीं कोई समस्या होगी तो वो भी हम सरकार की तरफ से लेके पूरी करेंगे। इस मौके पर जहां विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभाग से संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत करवाया, वहीं इन योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों ने भी सरकार का धन्यवाद किया। हम बच्चों का जिस टाइम एक मान लो शादी होती है ना, उस टाइम से कपल से लेके जब उसका आगे प्रेग्नेंट होती है औरत, उसका बच्चा होता है, उसका टीकाकरण या उसकी, हम बच्चे की 16 साल तक उसकी निगरानी करते हैं। हम बच्चे उसकी जिस टाइम शादी होती है, शादी के पंजीकरण करते हैं, पंजीकरण के बाद जब 3 महीने से पहले उसकी एंट्री करवाते हैं एनएम के पास, और उसके टेटनस के दोनों टीके, फोलिक एसिड 3 महीने तक, उसके बाद आयरन और कैल्शियम की 4th माह से गोलियाँ खिलाते हैं, और हर मंथ सब सेंटर पर उनकी विजिट करवाते हैं, उनका हम पूरा ध्यान रखते हैं। जैसे हाई रिस्क वाली एनसी होती हैं, उनका हम पूरे अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनकी पूरी विजिट करवाते हैं, और हॉस्पिटल में PMSY वाली विजिट करवाते हैं, और जो मान ले बच्चे के टीकाकरण है और हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाना है, उनका परसों भी सरकारी संस्था में। हम ये चाहते हैं कि हमारे गाँव में जो लोग हैं, हम उनको जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो भी सुविधाएं हैं उनको उन तक हम पहुंचा सके। आशा का मतलब है कि एक आशा की किरण, हम स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी सुविधाएं हैं अपने गांव के लोगों तक पहुंचाना का काम करती हैं, और उन बच्चे का पूरा टीकाकरण हम यानी 16 साल तक उनकी पूरी देखभाल करते हैं। और ये जैसे कोई आयुष्मान कार्ड हो गया, आयुष्मान कार्ड जैसे उनके इलाज के लिए उनका फ्री इलाज हो, सरकार उनको 5 लाख तक का इलाज फ्री दे रही है ताकि उनका किसी भी हॉस्पिटल में इलाज हो सके या कोई भी ऑपरेशन हो वो करवा सके, उनको पूरी सुविधा दी जा सके। और जैसे NCD का हो गया, BP शुगर वाले पेशेंट हैं, उनका भी हम सब सेंटर पे जाके CHO मैडम हमारी डॉक्टर दीपा उनके पास उनका चेकअप करवाते हैं।
अंत में मुख्य अतिथि ने पेंशन, आयुष्मान कार्ड और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को मौके पर योजनाओं के लाभ के प्रमाण पत्र भी दिए। तो ये था विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।